हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले बिहार पॉलिटेक्निक 2022 का जो काउंसलिंग है, साथ में चॉइस फिलिंग है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना, पूरा डिटेल से एक एक करके कंप्लीट प्रोसेस आप लोग के लिए वीडियोस बना दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले करना क्या है कि आप लोग आराम से गूगल क्रोम खोल लीजिएगा। आपको यहाँ पर सर्च करना है क्या, BCECEB, क्या सर्च करना है, BCECEB, ठीक है। अब यहाँ से सर्च करके आगे जाना, और जैसे ही BCECEB आप सर्च करिएगा तो आपको आगे जाना है, आगे जाना है, आगे देखिए आपको इस तरह से यहाँ पे एक साइट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करिएगा तो आपको आगे ले जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ DCECP, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करिएगा तो थोड़ा सा समय लेगा, क्योंकि साइट थोड़ा सा बिजी है। और यहाँ पे देखिए, ऊपर भी आपको मेंशन कर दे रहा है, रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग पूरा कम्प्लीटली आर नाउ अवेलेबल, या ऐसे आएगा। आप फिर नीचे जाइएगा, नीचे जाइएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आपके पास ऑप्शन से क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर DCECP काउंसलिंग 2022, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से ओके करना है। ओके पर आप क्लिक करिएगा तो आपको इस तरह से पूरा कम्प्लीटली यहाँ पर खुल जाएगा। देखिए, आपको यहाँ पर रोल नंबर मांगेगा, पासवर्ड डालने के लिए बोल रहा है, सिक्योरिटी पिन, तो ये सब अभी नहीं डालना है। उससे पहले आपको सबसे नीचे जाना है, यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है ना, आपको इस पर क्लिक करना है। और जैसे इस पर क्लिक करिएगा तो आपके पास और आगे जाइएगा, आगे जाइएगा तो आपको यहाँ पे पूछेगा कि आई एग्री और आई डोंट एग्री, तो ऊपर पढ़ना या पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना है छोड़ दीजिए। आप यहाँ पर आई एग्री पर ही आपको क्लिक करना होगा। और जैसे ही आई एग्री पर क्लिक करें तो यहाँ पर देखिए, रोल नंबर डालना होगा, कैंडिडेट्स का नाम डालना होगा, और उस कैंडिडेट्स का यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, और नीचे देखिए सिक्योरिटी है, तो ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पर डालना होगा आपको, ठीक है ना। फिर यहाँ पे नीचे क्या है, यहाँ पे नीचे है सबमिट का बटन है, तो इसको हम लोग यहाँ पे सबमिट करते हैं। देखिए, ऊपर सारा डाटा डालने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबमिट पे क्लिक करते हैं, ठीक है ना। और देखिए, जैसे ही सबमिट पर क्लिक करिएगा तो आगे आपसे ना सारा डिटेल आ जाएगा, आपको ऊपर में दिखाएगा, नाम दिखाएगा और रोल नंबर दिखाएगा, पासवर्ड, ये सब सारा चीज़ दिखाएगा, इसके पासवर्ड नहीं, रोल नंबर, ये सब दिखाएगा, प्लस में साथ में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिखाएगा। अब यहाँ पे देखिए, पासवर्ड आपको बनाने के लिए बोल रहा है, पासवर्ड करना है, फिर वही उसी को कंफर्म करना है, और सिक्योरिटी पिन यहाँ पे डालना है। देखिए, पासवर्ड ऐसा डालिएगा, पासवर्ड में क्या क्या होना चाहिए, आपका एगो कुछ लेटर होना चाहिए, फिर एगो ऐट द रेट या अल्फा हच ये होना चाहिए, और एगो नंबर होना चाहिए, और पासवर्ड अच्छा और मजबूत बनाइएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालना है, और जब सिक्योरिटी पिन डालिएगा तो यहाँ पे वेरिफिकेशन ऑफ मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस इज मैंडेटरी टू गेट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब देखिए, आपको मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दोनों कम्प्लीटली वेरिफिकेशन होगा, किस माध्यम से, OTP के माध्यम से, ठीक है ना। तो वेरिफिकेशन ऑफ मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस इज मैंडेटरी टू गेट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, तभी आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। फिर देखते हैं, यहाँ पे ऊपर सब डालते हैं, फिर यहाँ पे सबमिट एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे कंफर्म एक पासवर्ड बनाते हैं, आप लोग भी अपना पासवर्ड बनाइएगा, हम भी पासवर्ड बनाते हैं ना। एक चीज़ और देखिए, जब पासवर्ड पे आप क्लिक करिएगा ना तो आपको देखिए नीचे ऑप्शन दे रहा है, पासवर्ड क्या क्या होना चाहिए, पासवर्ड मस्ट बी 8 से 13 नंबर का होना चाहिए, पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 अपर केस अल्फ़ाबेट, जो एगो अल्फ़ाबेट लिखेगा ना उसमें एगो बड़ा होना चाहिए, ठीक है। पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 अल्फ़ाबेट, और एगो फिर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, फिर लोअर केस अल्फ़ाबेट होना चाहिए। पासवर्ड मस्ट हैव 1 लिस्ट, कम से कम एगो न्यूमेरिकल वैल्यू वाला पासवर्ड होना चाहिए। फिर आगे क्या, पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो हच स्टार ये सब में से कोई एगो होना चाहिए, इस तरह का पासवर्ड बनाना होगा, ठीक है ना। तो हम पासवर्ड बनाते हैं, जैसे मेरा नाम है शुभम, तो हम क्या लिखेंगे, एस बड़ा लिखेंगे, HU डाल देंगे, BH डाल देंगे, AM, फिर डाल दीजिए @, फिर डाल दीजिए जन्म तिथि, कुछ इस तरह से अपना कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे भी डालते हैं, देखिए हम यहाँ पे पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, और यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी पिन कैप्चा ये वाला नीचे वाला ऊपर डाल दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पे आपसे ऑप्शंस पूछेगा, डू यू विश टू सबमिट, मतलब क्या आप सबमिट इसको करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे। देखिए, जैसे ही वहाँ पे आप सबमिट करिएगा तो यहाँ पे देखिएगा आपके वेरीफाइड जो मोबाइल नंबर आप डाले थे ना, उस मोबाइल नंबर पे वो OTP जाएगा,
वो ओटीपी यहाँ डाल के पहले मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, फिर ईमेल आईडी जो आप ईमेल आईडी डाले होंगे उसका ओटीपी यहाँ पे डाल के वेरीफाई करना है, फिर नीचे सिक्योरिटी पिन डालना है। इसके बाद फिर क्या करना है, नीचे का जाइएगा, नीचे जाइएगा तो यहाँ पे वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट, फिर वेरीफाई हो जाएगी, फिर नीचे क्या कर दीजिएगा फाइनल सबमिट, तो फाइनली आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। यही था रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। और फिर आगे च्वाइस फिलिंग भी बताते हैं आपको। देखिए जब हम लोग यहाँ पे ओटीपी डालेंगे, देखिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, वही जो फॉर्म भरते हो जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाले थे वही वाला पे आपको ओटीपी जाएगा और आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालना। और एक चीज़ और यहाँ पे हम देखें कि जो मोबाइल नंबर पे ओटीपी जा रहा है वही ईमेल आईडी पे भी ओटीपी जा रहा है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा ज़रूर, ठीक है ना। इसके बाद नीचे जाना है, नीचे जाना है, यहाँ पे क्या है वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट, फिर हम क्या करते हैं वेरीफाई करके और फिर नीचे फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे देखिए वेरीफाइड एंड फाइनल सबमिट क्लिक करते हैं, चलिए हो गया। अब देखिए जब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना तो देखिएगा आगे आगे आपके पास ना एक टाइमर लगा दिया है, आपके पास 20 मिनट ही टाइम है कॉलेज को चूज करने के लिए, मात्र और मात्र 20 मिनट ही समय दिया हुआ है। आप यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे ध्यान देख पा रहे हैं तो देखिए आवर करंट सेशन विल बी एक्सपायर्ड विद इन 17 मिनट 15 सेकेंड, यानी यहाँ पे देखिए टाइमर सेट किया हुआ है, यानी एक बार 20 मिनट का ही टाइमिंग आपको दिया जा रहा है, उतना में सब कुछ कर लेना। अब देखिए अब जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या क्या अवेलेबल सर्विस में, आपको कैंडिडेट प्रोफाइल इस पर क्लिक करिएगा तो आपको नाम ये सब सारा चीज़ दिख जाएगा। अवेलेबल च्वाइस आपको कौन कौन सा, मतलब टोटल इसमें कॉलेज का नाम है, सभी कॉलेज का नाम देखने को मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, एडेड कॉलेज, सब भी यहाँ पे अवेलेबल चॉइस। यहाँ पे हमको क्या करना है, चॉइस फिलिंग है, चॉइस फिलिंग पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरे को सभी चॉइस को, मतलब सब चॉइस को क्या करेगा ना कि भरने के लिए देगा कि आपको कौन कौन सा चॉइस है। नीचे चॉइस लॉक करना है, लॉक करने के लिए भी ओटीपी से वेरीफाई करना होगा। फिर सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, जब रिजल्ट आ जाएगा तो यहाँ पे सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पर क्लिक करिएगा, पता चल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा और आप नीचे जाइएगा ना तो सारा चीज़ आपको दिखा देगा यहाँ पे, जैसे टोटल अवेलेबल चॉइस, मेरे पास 232 को चॉइस करने का ऑप्शन है, अभी हम एको को चॉइस फिलिंग नहीं किए, जीरो चॉइस, अनफिल्ड चॉइस यानी सब तो खाली है, 232 खाली है। नीचे अभी देखिए हम चॉइस को लॉक भी नहीं किए हैं, ठीक है ना, तो अभी अनलॉक है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं ना, एक एक करके देखिएगा सबको दिखा दें। अगर सबसे पहले कैंडिडेट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे ना तो कैंडिडेट के बारे में दिखाएगा हमको, ठीक है। कैंडिडेट प्रोफाइल पे क्लिक करिएगा, फिर नीचे स्लाइड करिएगा, सब कुछ दिख जाएगा। हम यहाँ पे अवेलेबल चॉइस पे क्लिक करते हैं, अवेलेबल चॉइस पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा सारा चीज़ आपको दिखा देगा यहाँ पे। अब अवेलेबल चॉइस पर हम यहाँ पे क्लिक कर दिए और नीचे दिखाएगा, देखिए हम मोबाइल से कौन सा लिंक कर रहे हैं तो मोबाइल वाला थोड़ा नीचे दिखाता है। यहाँ पे देखिए आप कौन सा इंस्टीट्यूट टाइप देखना चाहते हैं, तो मान लेते हैं हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो मेरे को दिखाएगा प्राइवेट इंस्टीट्यूट और स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। तो अगर मान लेते हैं हमको सरकारी कॉलेज लेना तो हम स्टेट गवर्नमेंट वाला पे क्लिक करेंगे, फिर नीचे जाएंगे यहाँ पे इंस्टीट्यूट, अब कौन सा इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं सारा चीज़ यहाँ पे देखिए, आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक, गया बीकेएन, जेपी गोपालगंज, यहाँ पे सारा गवर्नमेंट कॉलेज का, एनजीपी पटना 13, ये आपको मिल जाएगा। और जब यहाँ से मिलेगा तो इंस्टीट्यूट यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा, फिर प्रोग्राम नीचे हम एगो सेलेक्ट करते हैं, और आप लोग जो लिस्ट बनाए हैं ना उस लिस्ट के अनुसार आप लोग जरूर डालिएगा। यहाँ पे हम क्या डालते हैं ना, इसको डालते हैं, सपोज करते हैं मेरे को जीपी पटना 7 लेना है, हम जीपी पटना 7 डाल दिए। अब जीपी पटना 7 में कौन सा ब्रांच लेना है वो यहाँ पे प्रोग्राम में डालेंगे, प्रोग्राम में मान लेते हैं जीपी पटना 7 में देखिए कौन कौन सा ब्रांच है, एग्रीकल्चरल, आर्टिफिशियल, सेरामिक, केमिकल इंजीनियरिंग, फिर नीचे जाएंगे हमको लेना है सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, फिर सिविल इंजीनियरिंग मान लेते हैं लेना है। देखिए ये सब अलग अलग है, ध्यान रखिएगा, सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग रूरल, सब अलग अलग है। तो हमको लेना है मान लेते सिविल इंजीनियरिंग लेना है, तो सिविल इंजीनियरिंग पे क्लिक किए, फिर यहाँ पे क्या बोलता है इंटर इंस्टीट्यूट नेम या प्रोग्राम एड्रेस पिन कोड टू फिल्टर च्वाइस, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं फिल्टर करते हैं, देखिएगा यहाँ पर जब फिल्टर करेंगे ना तो यहाँ पर मेरे को ऑप्शन देगा, या नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है। फिर नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए इंस्टीट्यूट टाइप, यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हैं, यहाँ पे इंस्टीट्यूट टाइप में आप चाहें तो यहाँ पे फिल्टर करके, और नीचे देखिए हम मेरा हो गया ना एगो कॉलेज हो गया इंस्टीट्यूट में, यहाँ डला गया जीपी पटना 7, इंस्टीट्यूट टाइप स्टेट गवर्नमेंट, इन्हें डला गया सिविल इंजीनियरिंग। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको एक एक वो करना है, क्या करना है फिर आगे आपको चूज करना और सारा कॉलेज,
और सारा कॉलेज चूज करके एक को करके फिर अभी मान लेते स्टेट गवर्नमेंट जीपी पटना 7 में, दूसरा अभी हम लोग सहरसा में चूज करते सिविल इंजीनियरिंग लेना है, तो आपको यहाँ पे नीचे उसी तरह से कर देना है, फिर नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, फिर आपको ये सारा चीज़ हो जाएगा। तो इसको च्वाइस फिलिंग करने के बाद एक लॉक करना है, जब च्वाइस फिलिंग कम्प्लीट हो जाएगा तो फिर यहाँ पर च्वाइस लॉकिंग का ऑप्शन आएगा, फिर आप च्वाइस लॉकिंग कर सकते हैं, लेकिन च्वाइस लॉकिंग ओटीपी से होगा, ठीक है ना। यहाँ पे सब कुछ समझ में आ गया, यहाँ पे पहले स्टेट गवर्नमेंट बीकेएनई जीपी मान लेते गोपालगंज सेलेक्ट किया, उसमें से इन सिविल इंजीनियरिंग चूज किए, फिर इसके बाद नीचे देखे, नीचे देखे तो यहाँ पे देखिए बीकेएनई जीपी गोपालगंज आ गया, इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और यहाँ पे ऐड वाला सेक्शन में ऐड पर जरूर क्लिक करिएगा, ठीक है ना। ऐड में क्या होगा ना कि आपका कंप्लीटली ऐड हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखिए ऐड नहीं हुआ ना, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए कैंडिडेट्स प्रोफाइल अवेलेबल च्वाइस, अवेलेबल च्वाइस में आपको दिखाएगा कहाँ कहाँ च्वाइस आपको करना है सो, और नीचे है च्वाइस फिलिंग, तो आप च्वाइस फिलिंग पर आप क्लिक करिएगा, और जैसे ही च्वाइस फिलिंग पर क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पे सब देगा, इंस्टीट्यूट टाइप मान लेते हैं हम स्टेट गवर्नमेंट चूज करते हैं, कोई एक इंस्टीट्यूट चूज किए, बीके पी इंस्टीट्यूट सीतामढ़ी चूज किए, यहाँ से हमको लेना है मान लेते हैं कि कोई एक ब्रांच लेना है सिविल इंजीनियरिंग, आराम से सिविल इंजीनियरिंग पे क्लिक कर दिए, फिर यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये बीकेएनएसजीपी सीतामढ़ी यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक। इसके बाद नीचे जाइएगा, तो नीचे जाइएगा देखिए अभी ये जो ऐड यहाँ पे किए हैं ये भी सेव नहीं हुआ है, तो इसमें नीचे जाइएगा, देखिए मोबाइल में नीचे दिखा रहा है सेव एंड कंटिन्यू, तो आपको क्या करना होगा उसको पहले सेव कर लेना होगा, तो आराम से जब नीचे सेव करेंगे ना तो देखिए यहाँ पर आपको सब दिखाई देना शुरू हो जाएगा, देखिए यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। तो इसको मान लेते हैं यहाँ पे हम सेव किए, क्या लिख रहा है, देयर इज नो चेंजेज। अच्छा एक सेकेंड यहाँ पे देखिए, यहाँ अच्छा एक सेकेंड देखिए, यहाँ बीकेएनएसजीपी सीतामढ़ी सिविल इंजीनियरिंग, सबसे पहले इसको ऐड करिए, यहाँ पे ऐड करिएगा ऐड वाला सेक्शन पे, तो ऐड करिएगा तो देखिए नीचे आ गया, आ गया ना यहाँ पे बीकेएनएसजीपी सीतामढ़ी सिविल इंजीनियरिंग च्वाइस नंबर वन। अगर मान लेते इसको हटाना चाहते हो तो यहाँ पे रिमूव करिए, अप डाउन करना चाहते हो तो ऊपर और नीचे आप कर सकते हैं, एक हो गया। मान लेते कोई हम दूसरा कॉलेज अभी चूज करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट हो गया यहाँ पे बीकेएनएसजीपी सीतामढ़ी, या कोई दूसरा लेना चाहते हैं जीपी अररिया लेना चाहते हैं, उसमें सिविल इंजीनियरिंग, तो रहने दीजिए सिविल इंजीनियरिंग, यहाँ पे आ गया जीपी अररिया, आराम से यहाँ पे क्या करेंगे ऐड पर क्लिक करेंगे, फिर ये ऐड देखिए नीचे चला गया, ठीक है। अगर मान लेते दोनों को हटाना चाहते हैं तो रिमूव कर सकते हैं, या नहीं तो अप और डाउन, मान लेते हैं कि नीचे वाला कॉलेज को ऊपरे करना चाहते हैं तो यहाँ पे अप पर क्लिक करिएगा, ऊपर वाला कॉलेज को नीचे करना चाहते हैं, हो गया। और जब ये हो जाएगा ना तो इसके बाद देखिए यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू है, सेव एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक जरूर करते रहिएगा ताकि नीचे वाला सब सेव होते रहे, और जब सेव एंड कंटिन्यू सब कुछ हो जाएगा, टोटल च्वाइस करिएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉलेज चूज करिएगा, और फिर जब च्वाइस हो जाएगा तो इसके बाद यहाँ पे ऊपर में जाइएगा, ऊपर में जाइएगा, ऊपर में जाइएगा, तो फिर आपको च्वाइस फिलिंग को लॉक करने का ऑप्शन देगा, फिर आप च्वाइस फिलिंग आराम से लॉक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है ना। अच्छा ये चीज़ हो गया, यहाँ पे देखिए सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, डू यू वांट टू सेव इन च्वाइस, जो भी च्वाइस के उसको सेव करना चाहते हैं, सेव हो गया, टोटल देखिए टोटल सेव च्वाइस यहाँ पे दिखा रहा है, टू सेविंग्स टाइम सारा चीज़ यहाँ पे आपको दिखा दिया, इसको हम थोड़ा सा हटाते हैं, अगर और कुछ ऐड करना चाहते हैं तो और ऐड कर सकते हैं, अगर कुछ हटाना चाहते हो तभी हटा सकते हैं, जब तक तब तक कर सकते हैं जब तक कि आप कंप्लीटली लॉक ना कर दें, ठीक है। तो यही कंप्लीट प्रोसेस है, सब लोग अच्छे से काउंसलिंग करिए और फिर लास्ट में आपको क्या कर देना है, च्वाइस फिलिंग को लॉक कर देना है, ठीक है। और किसी तरह का कोई इश्यू आएगा तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, हम वहाँ पे रिप्लाई आपको दे देंगे, ठीक। थैंक यू, बाय। अच्छा जैसे आप लोग मान लेते कोई लॉक करना चाहते च्वाइस फिलिंग को लॉक, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ये जो तीन गो लाइन हुआ है ना इस पर, ये जो तीन गो लाइन यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, इस पर आप क्लिक करिएगा, यहाँ से क्लिक करिएगा तो यहाँ पे सारा चीज़ दे देगा, च्वाइस इंटरचेंज करना चाहते च्वाइस रीअरेंज मल्टी डिलीट, यहाँ पे देखिए लॉक च्वाइस है, लॉक च्वाइस पे क्लिक करिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो हम अभी इसको लॉग आउट कर देते हैं, लॉग आउट करके और नेक्स्ट कोई दूसरा करते हैं, आप लोग इसी तरह का सेम प्रोसेस करिएगा, हो जाएगा काउंसलिंग, ठीक है ना। फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।